हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत तमिलनाडु में एक नया स्पेस पोर्ट क्यों बना रहा है। इंडिया के पास बहुत ही जल्द दूसरा स्पेस पोर्ट होगा जिसे वे तमिलनाडु के कुलेसकारापतिनम पर बनाने जा रहा है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश के दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्पेस पोर्ट को लॉन्च के लिए 2024 और 2025 तक पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। अभी अगर देखें तो इंडिया दो लॉन्च पैड से एक स्पेस पोर्ट को यूज करता है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है और इसे 1970 से लॉन्च के लिए यूज किया जा रहा है। 1993 से यहां से PSLV को लॉन्च किया जा रहा है और इसके बाद GSLV और GSLV-MK3 रॉकेट्स को लॉन्च किया जा रहा है। श्रीहरिकोटा को इस पर्पस के लिए चूज करने के पीछे कई रीजंस थे, जैसे कि ये ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है और साथ ही इक्वेटर के बहुत पास भी है और इसका फायदा रॉकेट लॉन्चिंग के समय उठाया जाता है, यानी अर्थ के वेस्ट ईस्ट रोटेशन से एडिशनल वेलोसिटी को ऐड किया जाता है। ये इफेक्ट इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है और पोल्स के पास सबसे कम, जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वहीं ये स्पेसपोर्ट सी के बहुत पास है जो ईस्टवर्ड्स फ्लाई करते हैं और इनकेस लॉन्चिंग के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो रॉकेट और डेब्रिस सी में गिरती है, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच जाता है। पर अब जहाँ श्रीहरिकोटा के इतने फायदे हैं तो इंडिया को दूसरे स्पेस पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। इंडिया यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब भी इसरो को SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज 500 किलो के सैटेलाइट के लिए करना होता है तो ये लोकेशन एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब भी पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो उसे श्रीलंका के ऊपर से होकर जाना पड़ता है, जो श्रीलंका की इंटीग्रिटी को हर्ट करता है। हालांकि इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए इंडिया के रॉकेट्स में एक प्रोग्राम फिट किया गया है जिससे रॉकेट श्रीलंकन लैंडमास को अवॉइड करके कर्व पाथ को फॉलो करता है और यूटर्न लेकर फ्लाई करता है। इस प्रोसेस में रॉकेट का काफी फ्यूल वेस्ट होता है जो स्मॉलर रॉकेट्स के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इससे रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए दूसरे ऑप्शन को चुना गया है जो तमिलनाडु के टूटीकोरिन में सिचुएटेड है। इससे SSLV को तो लॉन्च किया ही जाएगा, वहीं ये स्पेसपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन होगा जिससे वे कम फ्यूल में स्ट्रेट पाथ फॉलो करके पोल को अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ ये उन कंट्रीज के लिए भी एक रीजनेबल ऑप्शन होगा जो स्मॉल रॉकेट्स को लो कॉस्ट में लॉन्च करना चाहते हैं। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।